1 रुपी कॉइन कार। एक गरीब गराज मैकेनिक सुंदर सामान खरीदने के लिए गांव के एक दुकान में जाता है। तब दुकानदार सुंदर को देखते ही कहता है, अरे सुन सुंदर, आज तुम्हें कोई उधारी नहीं मिलने वाली। पैसे हाथ में हो तो ही दुकान के अंदर आना। दुकानदार जी, आज है मेरे पास पैसे, मुझे बस 1 किलो चावल चाहिए था। दुकानदार सुंदर को 1 किलो चावल माफ कर देता है। तब सुंदर ढेर सारे 1 रुपयों के सिक्के देता है। ये देख दुकानदार कहता है, अब ये क्या सुंदर, लाए भी तो 1 रुपए के सिक्के, अब इसे ही गिनते रहना पड़ेगा दिन भर मुझे। दुकानदार की कही बात सुनते ही दुकान के पास बैठे सुंदर के कुछ दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है, अरे दुकानदार जी, चिल्लर आदमी से चिल्लर की ही उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र मनाओ आपके पैसे तो मिले, वरना हमारे पैसे लेकर तो सालों बीत गए, पर अब तक पैसे दो क्या चिल्लर तक नहीं मिले। मैं तुम्हारे भी पैसे जल्द ही दे दूंगा, लेकिन मेरा ऐसा मजाक उड़ाना आप लोगों को शोभा नहीं देता। इस तरह दोस्त सुंदर का मजाक उड़ाकर उस पर हंसते ही रहते हैं। सुंदर मुंह लटकाए हुए वहां से घर वापस आता है। उसे ऐसे उदास देखकर उसकी बीवी रमा कहती है, आगे फिर से मुंह लटकाकर, मैं कब से कह रही हूँ कि गराज बेचकर जितने भी पैसे आते हैं उसमें दूसरा व्यापार शुरू करते हैं, पर तुम उस गराज से जो चिल्लर मिलते हैं उसी में खुश रहते हो। आखिरकार तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? रमा गैरेज को बेचने की बात करती रहती है, पर सुंदर को ये बात मंजूर नहीं रहती। सुंदर का एक बेटा था दिनेश, जो एक दिन एक गुल्लक लेके आता है और कहता है, पिताजी पिताजी, ये मेरा मनी बैंक है, मैं इसमें रोज सिक्के डालते जाऊंगा, फिर देखना हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। सुंदर बेटे का मासूम चेहरा और उसकी बातें सुनकर हंसता रहता है। अब सुंदर गराज से मिलने वाले कुछ 1 रुपए के सिक्के दिनेश को देते रहता है और दिनेश गुल्लक भरते ही रहता है। इस तरह एक बार दिनेश किसी काम से जंगल गया हुआ था, तभी वहां उसे एक कार दिखाई देती है। उस कार को देखकर सुंदर के मन में एक विचार आता है। वो सोचता है, अरे ये कार तो ऐसे ही पड़ी होगी कब से यहाँ पर, क्यों ना इसका रिस्टोरेशन करके मैं बेच दूं, मुझे कुछ तो पैसे मिल जाएंगे, तब घर की हालत भी सुधर सकती है। ये सोचकर सुंदर उस कार को गराज ले जाता है। तब वो उस कार को अच्छे से देखता है और उसके समझ में आता है कि उस कार की बॉडी बहुत ही खराब हो चुकी है, और अगर बॉडी को अच्छे से करना है तो काफी सारे पैसे लगने वाले हैं। तब सुंदर घर में पैसों के बारे में सोचता रहता है, काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो कार की बॉडी को रिस्टोरेशन कर सकता था, लेकिन अब ये काम भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। सुंदर को ऐसा सोचते देख दिनेश वहाँ अपने कई सारे गुल्लक लेकर आता है और कहता है, पिताजी ये लीजिए पैसे, मैंने कई सारे गुल्लक में कई सारे रुपए जमा किए हैं, इन पैसों से आपका काम हो ही जाएगा। ऐसा कहते ही दिनेश अपने सारे गुल्लक को फोड़ देता है। गुल्लक को फोड़ते ही उनमें से ढेर सारे 1 रुपए के सिक्के निकलते हैं। देखते ही देखते उन सिक्कों का ढेर सा लग जाता है। तभी सुंदर को 1 रुपए के सिक्के देखकर कार के बॉडी बनाने का आइडिया भी आ जाता है। सुंदर 1 रुपए के कॉइन से कार की बॉडी बनाता है और कार को रिस्टोरेशन करके उसको बिल्कुल नए जैसे कार बनाता है। सुंदर वो 1 रुपए कॉइन कार लेकर गांव में घूमने निकलता है। तब उस कार को देखकर सारे लोग भी चकित हो जाते हैं। सुंदर के दोस्त जो उसका मजाक उड़ाते थे वो भी सुंदर की कार को देखते ही रहते हैं। तब एक दोस्त उसका कहता है, अरे वाह सुंदर, बढ़िया कार बनाई है तुमने तो, मान गए। आखिर मेरे चिल्लर कुछ तो काम आए दोस्त, अब मैं इस कार को बेचकर तुम सबका कर्जा उतार दूंगा। सुंदर ने उस कार की बॉडी बनाने के लिए करीब करीब 1 लाख रुपए के 1 रुपीज कॉइन का इस्तेमाल किया था। अब तो उसकी कॉइन कार के हर तरफ चर्चे होने लगते हैं। लोग उस कार की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। देखते ही देखते उसकी कार की बोली भी बोलने लगते है। जो ज्यादा बोली लगाता है उसी को सुंदर वो कार बेच देता है। इस तरह से सुंदर को 1 लाख कॉइन लगा कर ढेर सारे रुपए मिल जाते हैं। उन पैसों से वो दोस्तों का कर्जा उतार देता है और साथ साथ उसके गरीबी के दिन भी निकल जाते हैं। जायंट होल कार रेस्क्यू। सीतापुर नाम के गांव का जमींदार का बेटा धीरज बहुत ही घमंडी इंसान था।
वो किसी के भी उम्र का लिहाज नहीं करता था। वो गरीब लोगों से अच्छा बर्ताव भी नहीं करता था। एक बार की बात है, वो गांव में बहुत ही तेजी से बाइक चलाते हुए जा रहा था कि तभी एक बूढ़ी औरत उसके बाइक के सामने आ जाती है और उससे उस बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। तब वो बूढ़ी औरत कहती है, क्यों रे, तुम्हें क्या कुछ दिखाई नहीं देता या आँखों पर कोई पर्दा गिरा है? इतनी बड़ी बड़ी आलू की जैसी आँखें तो है तुम्हारी। हाँ हाँ, नहीं दिखाई दिया। इतनी सी बात के लिए इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये लो पैसे और जाकर अस्पताल में इलाज करो चुपचाप। वैसे मुझे पता है तुम जैसे लोग मेरे बाइक के सामने जानबूझकर आना और पैसे ऐंठना चाहती हो। क्यों, सच कहा ना मैंने? ऐसा कहकर धीरज उस बूढ़ी औरत पर पैसे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। वो बूढ़ी औरत धीरज की शिकायत लेकर जमींदार के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तब जमींदार धीरज को डांटने के बजाय उल्टा उस बूढ़ी औरत को ही सुनाने लगता है। अरे सुन, वो मेरा बेटा है, मेरा, एक जमींदार का, समझी कि नहीं? और उसने जो कुछ किया होगा या कहा होगा वो सही ही होगा। तुम बूढ़े पता नहीं क्यों घर से बाहर ही निकलते हो। चुपचाप घर में बैठना नहीं होता क्या तुम लोगों से? तुम तो ऐसे कह रहे हो जमींदार जी कि तुम कभी बूढ़े नहीं होने वाले। बेटे को अच्छी बातें सिखाने की बजाय तुम तो उसका हौसला बढ़ा रहे हो। अरे हम जमींदार को झुकने की आदत नहीं है और ना ही कभी हम झुकेंगे। आज के बाद कभी मेरे बेटे की शिकायत लेकर मेरे घर में आ गए ना, देखना फिर मैं तेरा क्या हाल करूँगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे हो जमींदार जी। देखना, एक दिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी आपको। वो बूढ़ी औरत ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में जमींदार के बेटे धीरज का जन्मदिन आया और जमींदार ने धीरज को तोहफे में एक कार दी। अब तो धीरज उस कार से तेजी से गांव में घूमने लगता है। धीरज गांव में से जा रहा था कि उसकी कार से कीचड़ उछलकर रास्ते से जाते हुए एक साधु बाबा पर गिर जाता है। तब वो साधु बाबा धीरज से कहता है, बेटा गाड़ी जरा संभाल कर चलाना चाहिए, तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो बेटा। अबे जा, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। ये ले कुछ पैसे और अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद ले। आखिर मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग रास्ते पे क्यों निकलते हो बे। ऐसा कहकर धीरज जेब से पैसे निकाल कर साधु बाबा के ऊपर फेंकता है। तब बाबा फिर से कहते हैं, बेटा पैसों का इतना घमंड अच्छा नहीं होता। अपनी गलती मानने के बजाय तुम तो मुझे ही अकड़ दिखा रहे हो। ये लो अपने पैसे, अपने पास ही रखो। हाँ हाँ ठीक है, मुझे क्या, आया बड़ा। ऐसा कहकर धीरज अपनी कार से सामने चला जाता है, लेकिन फिर से पीछे आकर जानबूझकर साधु बाबा पर वो कार से कीचड़ उड़ाता है और वहां से उन पर हंसते हुए चला जाता है। तब गांव का एक आदमी साधु बाबा के पास आकर उन्हें कीचड़ साफ करने के लिए पानी देता है और उन्हें धीरज की सारी बात बताता है। तब साधु बाबा कहते हैं, बड़ों से कैसे पेश आते हैं ये इसे बिल्कुल भी पता नहीं है, और पैसों का तो इतना घमंड है उसे। बाप रे बाप, इसका घमंड तो अब मुझे निकालना ही पड़ेगा। दूसरे दिन धीरज अपनी कार से तेजी से गांव के रोड पर चला जा रहा था, तभी साधु बाबा अपनी शक्ति से रोड पर एक बड़ा सा गड्ढा कर देते हैं। धीरज भी तेजी से कार चलाने की वजह से उसे वो गड्ढा दिखाई नहीं देता और वो सीधा अपनी कार से उस गड्ढे में गिर जाता है। धीरज गड्ढे में गिर कर चिल्लाने लगता है। गांव वाले और साधु बाबा भी वहां आते हैं, लेकिन कोई भी धीरज की मदद नहीं करता। जैसे ही ये बात जमींदार को पता चलती है, तब वो भागा दौड़ा वहां आता है और वो कहता है, अरे गांव वालों, तुम सब मेरे बेटे का तमाशा क्या देख रहे हो? उसकी गाड़ी को बाहर निकालने के लिए मदद करो। जमींदार के ऐसा कहने पर भी गांव का कोई आदमी कुछ बात नहीं करता। तभी साधु बाबा सामने आता है और वो कहता है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे है और हम सब तो गरीब है, तुम्हारी मदद हम कैसे कर सकते है? आखिर हमारी तुमसे क्या बराबरी है जमींदार जी? जमींदार हर किसी को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। तब वो बचाव कर्मी को भी फोन लगाता है, लेकिन उन्हें फोन ही नहीं लगता। अब जमींदार को सब समझ आने लगा, तब वो तुरंत साधु बाबा के पास जाकर कहता है, बाबा हमें माफ कर दो, पैसों की वजह से हम अंधे हो गए थे। अब तो आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हो, नहीं तो मेरा इकलौता बेटा वही मर जाएगा बाबा। प्लीज उसे गड्ढे से बाहर निकालो बाबा। जमींदार ऐसे कहते हुए रोने लगता है। तब साधु बाबा धीरज को कार के साथ ही फिर से गड्ढे से बाहर निकालते हैं और रोड पर बने उस जायंट गड्ढे को वो बुझा देते हैं और रोड फिर से अच्छा बन जाता है।
गड्ढे में गिरने की वजह से धीरज की अकल भी ठिकाने आ गई थी। तब धीरज कहता है, मुझे माफ कर दो बाबा, आज के बाद मैं सबसे अच्छे से बर्ताव करूंगा, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा बाबा। इस तरह धीरज को साधु बाबा माफ कर देते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं।